प्रदेश में बीजेपी को इस बार हुए बड़े नुकसान के बाद मतदाता सम्मान समारोह के बाद अब बारी है सबसे बड़ी बैठक की। जी हां, बीजेपी आज 3,500 प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी बैठक करने जा रही है। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं। यूपी में हार के साथ खुद अपने नेताओं ने जिस तरीके से सरकार पर सवाल उठाना शुरू किया है उससे पार्टी को बड़े पैमाने पर मंथन पर मजबूर होना पड़ा है। 3,600 से ज्यादा प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा और मंथन की बारी है। जिस तरह से पार्टी में ही उत्तर प्रदेश की इकाई के जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर और सिस्टम पर, कई नेताओं के स्टेटमेंट्स आए उसको देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो दो तस्वीरें हैं, एक तरफ बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, दूसरी तरफ कांग्रेस का पोस्टर वार। देखिए क्या लिखा हुआ है, संविधान की हुई एक बार फिर से जीत। अब किस चीज से इसको जोड़ा गया है, भगवान बद्री विशाल की जय। मतलब पहले अयोध्या में बीजेपी हारी और बद्रीनाथ में भी हुए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली यानी बीजेपी को हार, उसको जोड़ा गया है और भगवान बद्री विशाल की जय ये कहा गया है।